तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन को हम लोग अगर डील करते हैं तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम होती है कि क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए ताकि ये जो प्रॉब्लम है ये सिंप्लीफाइड मैनर में या सिंप्लीफाइड वर्जन की तरफ जाए। तो सबसे पहले आपको दिखना चाहिए यहाँ हर्डल स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो इस स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हमारा सबसे पहला टैकल होगा कि इसको हटाया जाए। तो क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे एक्स प्लस फोर को टी स्क्वायर। सोचिए अगर हम x प्लस फोर को t स्क्वायर रख दिए तो स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर टी हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, है ना। तो जो हमारा पहला फोकस था हमने उसको टारगेट किया। उसके बाद देखते हैं सिस्टम किधर मूव करता है, उसकी तरफ हम आगे प्रोसीड करेंगे। खैर तो अगर x प्लस फोर अब टी स्क्वायर हो गया तो आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे यहाँ पे दोनों तरफ तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2t dt हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन dx को हम क्या लिख के हटा देंगे, dx को लिख के हटा देंगे 2t dt, है ना, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। तो x से वेरिएबल हम t में जा रहे हैं तो कुछ भी यहाँ पे x पे नहीं छूटना चाहिए, ठीक। x प्लस फोर को हम क्या लिख देंगे, t स्क्वायर, और इस x को क्या लिखेंगे, तो यहीं से देख लीजिए इस x को लिखा जाएगा t स्क्वायर माइनस फोर। तो ये जो इंटीग्रल आपका है ये कम्प्लीटली कन्वर्ट हो चुका होगा t में, वेरिएबल t में जो आपका डमी वेरिएबल है। तो x को लिख दिया हमने t स्क्वायर माइनस फोर और dx को लिख दिया 2t dt और अपान जो यहाँ पे जो था ये t हो गया, ठीक है, ये t कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और दैट या 2t स्क्वायर हो गया, इंटीग्रल आप t स्क्वायर हो जाएगा dt और माइनस 2 4 जा 8, तो 8 बाहर कर ले रहे हैं, 1 dt। अब ये सिंपली एकदम सिंपल वर्जन में पहुंच गया है ना, ये एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, x की पावर n का फॉर्मूला या t की पावर n का फॉर्मूला कह लीजिए, तो ये t³/3 हो जाएगा, इसका इंटीग्रल 2t³/3 हो गया, इसका क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा, और एक आपका इंडेफिनिट कांस्टेंट ऑलवेज हम लिखते हैं दैट इज c। लेकिन t हमारा डमी वेरिएबल है, कभी भी आंसर को हम डमी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में नहीं छोड़ेंगे, है ना, टर्म में नहीं छोड़ेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल मतलब x था उसमें रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको हटाते हैं पहले, तो ठीक है, कैसे हम लोग अपने डमी वेरिएबल को रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से 2t कॉमन कर लीजिए, है ना, तो दैट 2t/3 कॉमन कर लेते हैं। अब आप कहेंगे 3 तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ 3 नहीं है, तो एक तरह से 3 मल्टीप्लाई हुआ और डिवाइड हुआ, ठीक है, तो ये 3 कॉमन हो गया, ऊपर 3 बच जाएगा, तो ऊपर से आपने 2t कॉमन कर लिया, 2t/3 क्या बचा आपका, टी स्क्वायर बचा, और माइनस यहाँ से 3 बच गया, यहाँ से 2 कॉमन हो गया, तो 4 बचा, 4 3 जा 12, तो ये 12 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ से t क्या है, यहाँ से आप t देखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 हो जाएगा, तो t की वैल्यू हम रख दें स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4, और t स्क्वायर क्या है आपका, x प्लस 4 है, तो यहाँ पे x प्लस 4 रख दें माइनस 12। अब ये प्लस 4 माइनस 12 क्या आ जाएगा आपका, माइनस 8 आ जाएगा, ये दैट कम्स आउट टू बी माइनस 8, और प्लस सी तो था ही आपका प्लस सी, तो दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन को हमने प्रोसीड किया।